अजमेर दरगाह में 1 लाख लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। ख्वाजा की दरगाह में हुई खुसूसी दुआ और महफिल समा। अजमेर में सूफियाना अंदाज में न्यू ईयर का जश्न मनाया गया। खास बात ये रही कि सर्दी के मौसम में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैही की दरगाह जायरीनों से खचाखच भरी रही। दरगाह में खुसूसी मकामात पर कसीर तादाद में जायरीन का हुजूम नारे लगाते नजर आया, जहां तमाम मजहब के अकीदतमंद साल 2023 को अलविदा कहकर नए साल 2024 का खैरम कदम करता नजर आया। इस मौके पर दरगाह एतराफ में जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई और मुंबई के जायरीन ने केक काटा। दरगाह में इस्तेमाई दुआ में तकरीबन 1 लाख लोगों ने शिरकत की। इसकी वजह से दरगाह इलाका खचाखच भरा रहा। अकीदतमंदों ने इस मौके पर बादशाह जहांगीर की देग भी पकाई और तमाम जायरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। पहले तमाम आलम इंसानियत को 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दरबार है गई नवाज, एक ऐसा दरबार है जहाँ पर सातों धर्म के लोग आते हैं। वो सबकी आस्था को देखते हुए दरबार शरीफ के अंदर कुरान खानी, नात खानी, कव्वाली, जो चिश्तिया सिलसिला की रिवायत है, उस चीज़ को देखते हुए तमाम आलम इंसानियत की दुआ करी कि 2024 तमाम आलम इंसानियत, चाहे मुसलमान हो, हिंदूज हो, सिख हो, क्रिश्चन हो, सबके लिए खैर बरकत लाए, सबके रिस्क में कामयाबी अता फरमाए और सबको हज बैतुल्ला और रसूलुल्लाह की दरगाह में मुशर्रफ अता फरमाए और जो मुल्क के हालात हैं उन सब में गई नवाज करम अता फरमाए, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबके रिस्क में कारोबार और बरकत अता फरमाए। सरकार गई नवाज के दरबार से एक ये पैगाम दिया जाता है कि कोई भी हो, कोई किसी भी धर्म ताल्लुक रखता हो, यहाँ पर सबको इज्जत मिलती है। यहाँ सबको हर तरीके की इज्जत, जो जिस मजहब ताल्लुक रखता है उस तरीके से मिलती है। सरकार गई नवाज के बारगाह में दुआ करी गई नवाज सबको खुशाबाद रखें, कामयाबी दें, कामरानी अता फरमाएँ और बिलखसूस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार वफैल में तमाम आलम इंसानियत के ऊपर रहम फरमाएँ। सरकार की बारगाह में दुआ करते हैं गई नवाज खुश सबको खुश और आबाद रखें, कामयाबी दें और जितने भी जायरीन दरबार में आते हैं, जो श्रद्धा लेके आते हैं, गई नवाज सबको कबूल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमीना सैयद है और मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से आई हूँ और आज अजमेर शरीफ में मौजूद हूँ। आज 31st है तो हम जो है अपने 2023 और 2024 की जो शुरुआत है और जो एंडिंग है वो आज सरकार के पास आए हैं और ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आने वाला साल जो है वो बरकत से भरा हो और इस देश के अंदर जो एक भेदभाव जो चलता है, आज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने हमें मुस्लिम दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर मैंने आज पंजाबी भी देखी, यहाँ पर मैंने नॉन मोमेडियंस भी देखी। तो अल्लाह पाक सरकार के सदके में जो हिंद के राजा है वो इस देश की एक अमन, शांति और चैन बनाए। आज हम लोग गरीब नवाज सरकार के दर पे आए हैं, 31st है, कहीं इधर उधर घूमने से बेहतर है हमारी सरकार की बारगाह में हम आए कि हमारा नया साल अच्छा जाए, हमारा पूरा साल अच्छे से जाए, रोजी में बरकत हो, बिजनेस में भी तरक्की हो और ज़िंदगी में खुशहाली हो, घर में कोई तकलीफ परेशानी आई हो वो भी ना आए। सरकार की बारगाह से हम ये दुआ लेके आए हैं और इंशाल्लाह यहाँ से मुराद अपनी पूरी करके जाएंगे। चलो सब।
खराब हो जाएगा बापू। अरे ऐसा ही कट कर देना पकड़ के। भाई निकाल लो, 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 निकाल ल